Hello students, in the previous class we saw that Margie and Tommy were reading an old book, and in this class we will going to continue. So let's start from the point 7. A man, ek aadmi, isn't smart enough. मार्गी टॉमी से कह रही है कि एक इंसान क्या इतना स्मार्ट, इतना चतुर हो सकता है. श्योर ही इज़, हाँ निश्चित रूप से. माई फादर नोज, मेरे पिताजी भी इतना जानते हैं. एज़ मच एज़ माई टीचर, जितना मेरे टीचर जानते हैं उतना ही मेरे पिताजी भी जानते हैं. ये बात किसने कही? ये बात टॉमी ने मार्गी से कही. ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, वो भी लगभग उतना ही जानते हैं. आई बेटा, आई बेटा, बेटा मीन्स बेट से ये वर्ड लिया गया है, यानी बेट. बेट मीन्स होता है शर्त लगाना, और इनफॉर्मल लैंग्वेज में बेटा वर्ड यूज़ किया गया है. इट मीन्स कि मैं शर्त लगा सकता हूँ. मार्गी वाजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट, मार्गी इस बहस के लिए तैयार नहीं थी. शी सैड, उसने कहा, आई वुडंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन, मैं एक स्ट्रेंज मैन यानी एक अजनबी आदमी नहीं चाहती हूँ. इन माई हाउस, अपने घर में, टू टीच मी, मुझे पढ़ाने के लिए. मार्गी कह रही है कि मैं अपने घर में एक स्ट्रेंज मैन को अपने घर में मुझे पढ़ाने के लिए नहीं चाहती हूँ. टॉमी स्क्रीम्ड, टॉमी चिल्लाया विद लाफ्टर, हंसी से, यानी टॉमी बहुत ज़ोर से हंसा. यू डोंट नो, तुम नहीं जानती हो मच, ज़्यादा. यू डोंट नो मच, मार्गी, मार्गी तुम ज़्यादा नहीं जानती हो. द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, कि द टीचर्स यानी जो ह्यूमन बींग हैं, जो टीचर्स, जिन टीचर्स के बारे में बुक में बताया गया है, वो टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, वो टीचर्स घर में नहीं रहते थे. दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनकी एक ख़ास इमारत होती थी, एक ख़ास जगह होती थी जहाँ वो रहते थे. एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, स्पेशल बिल्डिंग का मतलब स्कूल से है यहाँ पर, सॉरी. एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सभी बच्चे वहाँ जाते थे. एंड ऑल द किड्स लर्नड द सेम थिंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है. इट मीन्स मार्गी टॉमी से क्वेश्चन कर रही है कि क्या सभी बच्चे एक जैसी ही चीज़ें सीखते थे. श्योर, निश्चित रूप से, वाकई. इफ़ दे वर द सेम एज, अगर वो एक ही एज ग्रुप के हों, अगर वो सेम एज के हों, तभी वो एक जैसी चीज़ें सीखते थे. बट माई मदर सेज़, लेकिन मेरी माँ कहती हैं, अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड, कि एक टीचर को एडजस्ट किया जा चुका है या एडजस्ट किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है. टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस, और वो उन्हीं बच्चों, उन्हीं लड़के और लड़कियों को पढ़ाता है जिनके माइंड के हिसाब से उन्हें फिट किया गया हो. एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और हर एक बच्चे को अलग अलग तरह से पढ़ाया जाता है. यानी मार्गी अपने बारे में बात कर रही है कि मेरी माँ तो ये कहती हैं कि हर टीचर को हर लड़के और लड़की के माइंड के हिसाब से फिट किया जाता है, और वो हर एक बच्चे को अलग अलग पढ़ाते हैं. तो ये पॉसिबल कैसे है कि वहाँ टीचर सेम एज ग्रुप के बच्चों को सेम चीज़ें ही पढ़ाता हो. जस्ट द सेम, बिल्कुल उसी तरह, दे डिडंट डू इट दैट वे देन, बिल्कुल इसी तरह, जिस तरह से तुम इसी चीज़ को नहीं सीखना चाहती हो.
इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें ये बात पसंद नहीं आ रही है तो तुम्हें किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मैंने ये तो नहीं कहा कि मुझे ये पसंद नहीं है, मार्गी सैड क्विकली, मार्गी ने जल्दी से कहा। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल, वो उन फनी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड, उन्होंने लगभग किताब को आधा ही ख़त्म नहीं किया था। वैन मार्गीज मदर कॉल्ड, जब मार्गी की माँ ने उसे बुलाया। मार्गी स्कूल, मार्गी स्कूल के लिए रेडी हो जाओ। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ने ऊपर देखा। नॉट येट ममा, ममा अभी नहीं। नाउ, बिल्कुल अभी। सैड मिसेस जोन्स, मिसेस जोन्स ने कहा। नाउ, बिल्कुल अभी। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और ये टाइम टॉमी के लिए भी, प्रोबेबली मीन्स समटाइम्स, कभी कभी यही टाइम टॉमी की क्लास का भी या टॉमी के स्कूल का भी होता था। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा। कैन आई रीड द बुक सम मोर, क्या मैं ये किताब और पढ़ सकती हूँ विद यू, तुम्हारे साथ, आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद, क्या मैं तुम्हारे साथ स्कूल के बाद ये किताब और पढ़ सकती हूँ। मे बी, शायद, हो सकता है। ही सेड, उसने कहा। नॉनचलेंटली, नॉनचलेंटली मीन्स उदासीनतापूर्वक, उसने उदासीनतापूर्वक कहा। मे बी, हो सकता है, शायद। ही वॉकड अवे, विस्लिंग, वो सीटी बजाते हुए बाहर गया। द डस्टी ओल्ड बुक, धूल से भरी हुई वो पुरानी किताब। टक्ड बीनीथ हिज आर्म्स, बीनीथ इज़ एन एडवर्ब, इसका मतलब होता है बीच में या नीचे, और वो जो धूल से भरी हुई पुरानी किताब थी वो टक्ड मीन्स टंगी हुई थी उसकी बाहों में, उसकी आर्म्स में। मार्गी वेंट इनटू द क्लासरूम, इनटू द स्कूल रूम, मार्गी स्कूल रूम में गई। स्कूल रूम कहाँ पर था? इट वॉज राइट, वो दाईं तरफ था, नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसके बेडरूम से बिल्कुल दाईं तरफ था। एंड द मकैनिकल टीचर वॉज ऑन, और मकैनिकल टीचर वहाँ पर था या मकैनिकल टीचर ऑन था। एंड वेटिंग फॉर हर, और उसका इंतज़ार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन, वो हमेशा ऑन रहता था। एट द सेम टाइम, उसी समय पर, एवरी डे, रोज़ाना, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, शनिवार और रविवार को छोड़कर वो रोज़ाना उसी टाइम पर हमेशा ऑन रहता था। हियर यू कैन सी दैट द मकैनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, वो स्क्रीन पर मार्गी को लेसन दे रहा है। बिकॉज़ हर मदर सैड, क्योंकि उसकी माँ कहती थी, लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर, कि छोटी लड़कियाँ और अच्छे से सीखती हैं। इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, अगर वो रोज़ाना रेगुलर घंटों में या रोज़ाना के घंटों के हिसाब से अगर वो सीखती हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से सीख सकती हैं। द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन जली। एंड इट सैड, और ये कहा गया, टुडेज़ अरिथमेटिक लेसन, के आज का अरिथमेटिक का लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, कि आज का जो अरिथमेटिक का जो लेसन है वो प्रॉपर फ्रैक्शन के एडिशन पर बेस्ड है। यानी कि यू नो वेरी वेल देर आर थ्री काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन, प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड। सो उस दिन का टॉपिक मार्गी का अरिथमेटिक का था, एडिशन ऑफ
प्रॉपर फ्रैक्शंस, प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज़ होमवर्क, कृपया पिछले दिन का या लास्ट डे का होमवर्क इंसर्ट करें, लगाएं इन द प्रॉपर स्लॉट, जो प्रॉपर स्लॉट जो जगह आपको दी गई है उस स्लॉट में पहले कल का होमवर्क लगाएं। मार्गी डिड सो विद अ साई। मार्गी ने, साई मीन्स होता है आह भरना, मार्गी ने एक आह भरते हुए ऐसा ही किया, यानी अपना होमवर्क इंसर्ट किया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, वो पुराने स्कूल्स के बारे में भी सोच रही थी। दे हैड, जिसके बारे में उसने जाना था, व्हेन हर ग्रैंडफादर्स ग्रैंडफादर, जब उसके दादाजी के दादाजी, वॉज अ लिटिल बॉय, एक छोटे बच्चे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, सभी बच्चे, कहाँ के बच्चे, होल नेबरहुड यानी पड़ोस के सारे बच्चे, केम आते थे, लाफिंग हंसते होंगे, एंड शाउटिंग और चिल्लाते होंगे, इन द स्कूल यार्ड स्कूल के आंगन में, सिटिंग टुगेदर साथ साथ बैठते होंगे, इन द स्कूल रूम में, गोइंग होम टुगेदर घर साथ साथ जाते होंगे, एट द एंड ऑफ द डे दिन के अंत में, जब स्कूल ख़त्म हो जाता होगा, एंड ऑफ द डे हो जाता होगा, तब वो स्कूल से घर भी वापस साथ साथ जाते होंगे। दे लर्नड द सेम थिंग, वो एक जैसी ही चीज़ों को सीखते होंगे, सो दे कुड हेल्प वन अनदर, इसी वजह से वो एक दूसरे की मदद भी करते होंगे, विद द होमवर्क, होमवर्क करने में, एंड टॉक अबाउट इट, और वो होमवर्क के बारे में भी बातें किया करते होंगे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और वहाँ के जो टीचर्स होते होंगे वो लोग होते होंगे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर ने स्क्रीन पर फ्लैश किया। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4, कि जब हम 1/2 और 1/4 के फ्रैक्शन को ऐड करते हैं, डॉट 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 एंड सो ऑन, मींस आगे की और भी जो लेसन उनके चल रहे होंगे। मार्गी वाज थिंकिंग, मार्गी सोच रही थी अबाउट, किस बारे में, हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट, कि बच्चे इसको कैसे पसंद करते होंगे। इन द ओल्ड डेज, पुराने दिनों में, मतलब इसी चीज़ को बच्चे पुराने दिनों में कैसे पसंद करते होंगे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वो उन दिनों की मस्ती के बारे में सोच रही थी। द फन दे हैड, द फन दे हैड, विच इज़ द टाइटल ऑफ द चैप्टर। शी वॉज थिंकिंग, वो सोच रही थी अबाउट द फन दे हैड, उन दिनों की मस्ती के, उन दिनों की खुशी के बारे में, उन दिनों के आनंद के बारे में जो उन बच्चों को मिलता होगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।